हाल ही में नागपुर के अलग अलग जगहों पर मराठी फिल्म चिरकुट की शूटिंग की जा रही है। इसी श्रृंखला में शांतिनगर परिसर में इस फिल्म की शूटिंग की गई। इस फिल्म में मुख्य किरदार गुंडा स्वामी यानी दीपक शिर्के ने बेहतरीन किरदार किया है। नागपुर के शांतिनगर स्थित तुलसी नगर में चिरकुट इस मराठी फिल्म की शूटिंग की गई। इस मौके पर शहर के सुप्रसिद्ध कलाकार मौजूद थे। फिल्म तिरंगा फेम गुंडा स्वामी यानी दीपक शिर्के, इनका इस फिल्म में बहुत बड़ा कैरेक्टर रोल है। अपने मेकअप मैन से मेकअप कर रहे दीपक शिर्के काफी खुश नजर आए। इस फिल्म के बारे में आयोजकों ने जानकारी दी। नागपुर शहर का तो सौभाग्य है, लेकिन उसके साथ साथ शांतिनगर का सौभाग्य है कि शांतिनगर में ये फिल्म बन रही है। इसके लिए हमारे मित्र प्रेम निजामनानी, उन्होंने गुमगाकर सर को मेरे से मिलाया, घर को लेकर इधर आए थे, हमारे ऑफिस में आए बैठे, उनसे चर्चा हुई। उन्होंने ये फिल्म के बारे में थोड़ी सी ऐसी ऐसी फिल्म अपने को बनाना है, उसके लिए अपने को गार्डन की ज़रूरत है। और मैंने इस नगर सेवक मैडम के कोटे से अभी जो एक शांतिनगर में तुलसीनगर में एक बढ़िया गार्डन बनाया, 2 साल में उसको डेवलप किया, वो गार्डन मैंने इनको दिखाया। मैं बोला यहाँ तो आपको सब सहयोग करूँगा, वो गार्डन इनको पसंद आ गया और इन्होंने बोला कि नहीं, मेरे को यही गार्डन में शूटिंग कराना है। और सीनियर सिटीजन के ऊपर पिक्चर है तो ये गार्डन बेस्ट है। उन्होंने बोला ठीक है, गार्डन के परमिशन से लेके मैं जो भी आपका सहयोग लगेगा मैं वो आपको कर दूंगा। मैंने उसके लिए परमिशन वगैरह दिलाई। मला तर एकदम उत्तम वाटत आहे पाहायला। म्हणजे आम्ही मागे आता तुलसीनगरच्या गार्डनमध्ये आम्ही गेलो होतो, तिथे पाहिली शूटिंग, खूप व्यवस्थित खूप छान वाटलं आणि आम्हाला आमचं खूप सौभाग्य की आमच्या शांतीनगरमध्ये शूटिंग झाली। बंद करा तुमचे डोके दुखी, जेव्हा बघावं तेव्हा नुसतं रडतं का ना? सेठजींना 10 वेळा चहा आणि हे दुःख बरे गाणी, या व्यतिरिक्त दुसरं काही सुचत का? बंद करा बिलकुल तुमचं हे बाळ झोपलंय। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से यह जो शूटिंग शुरू है, ये शूटिंग है चिरकुट की, और इस चिरकुट का ये तमाम स्टार कास्ट, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाई डेफिनेशन के कैमरे भी लगे हुए हैं जो शूट करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। डायरेक्टर से लेके प्रोड्यूसर से लेके ये तमाम लोग कलाकार भी यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कैसे रोल किया जा रहा है, इस रेलिंग से रोल करते हुए ताकि कोई भी विजुअल शेक ना हो, अच्छी तरह से डायलॉग डिलीवरी हो रही है। ठीक उसी प्रकार से हर किसी का जो रोल है अच्छे से आ जाए ताकि दर्शकों के दिल पर राज करने के लिए चिरकुट ये फिल्म अपने आप में एक बने, इस बात की चर्चा यहाँ पे चल रही है। डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, कलाकार हो, ये तमाम महिला ही फिल्मों में इनका ये स्टार कास्ट ये काम कर रही है। आइए सीधा रुख करेंगे उन्हीं के पास और उनसे जानना चाहेंगे। इस समय में इनबीसीएन की टीम भी यहाँ पे आई हुई है। आप थोड़ा यहाँ पैन करके बताइए कि ये वही कैमरा है जिस कैमरा से ये तमाम लोग जो है इनकी यहाँ पे शूटिंग होने जा रही है। आप देख सकते है कि डायरेक्टर साहब है, प्रोड्यूसर साहब है और ये कलाकार है जिन्हें ये गाइडलाइन देते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाल ही में अभी जो एक डायलॉग मारा गया है, ये वही इस फिल्म की हीरोइन है, जो डायलॉग इनके ऊपर में डायलॉग डिलीवरी यहाँ पे होने जा रही है। सबसे पहले हम रुक करना चाहेंगे, इस समय में हमारे साथ में इस फिल्म के डायरेक्टर है, उनसे गुमगाकर जी। गुमगाकर साहब, ये बताइए कि ये जो फिल्म बन रही है चिरकुट, ये फिल्म को एक डायरेक्ट करते समय में क्या चल रहा है आपके मन में? मेरे मन में ये चल रहा है कि मैंने इससे पहले जो फिल्म डायरेक्ट की थी उसमें 150 बच्चे थे और इस फिल्म में एकदम अपोजिट है, इसमें 100 बुजुर्ग लोग हैं। मेरे लिए बहुत खतरनाक मामला हो गया है क्योंकि बच्चों को मैं मार के भी समझा सकता, यहाँ किसी बुजुर्ग आर्टिस्ट को मैं कुछ बोलूँ तो उल्टा वो मेरे पे रेस हो सकता है, इसलिए मैं बड़े प्यार से काम कर रहा हूँ इनके साथ। मजा आ रहा, बहुत मजा आ रहा है। तो आइए अब रुक करना चाहेंगे इस समय, इस फिल्म के जो चिरकुट फिल्म के डायरेक्टर हमारे साथ में गुमगाकर जी, उनसे गुमगाकर से ये बताइए कि जब ये फिल्म जो बनने जा रही है और किस प्रकार का आप इसको डायरेक्शन देने जा रहे हो? मुझे बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि सीनियर आर्टिस्ट है सब इसमें। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इससे पहले मैंने छोटे बच्चों के साथ काम किया था, लिटिल शोले पे थी वो, और अब मैं ये जो वीआर चिरकुट फिल्म करने जा रहा हूँ इसमें सारे सीनियर आर्टिस्ट है। चिटनीस जी है, राउत सर है, दीपक सर है, नितिन पात्रीकर जी है और हमारे भालचंद्र कुहार जी है जो कि राइटर भी है। तो ये सारे एजेड मैंने एक एक्सपीरियंस इनका जो है वो मुझे सपोर्ट मिल रहा है, मेरे को डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा समझाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा समझ जाते हैं लोग। ये सबसे अच्छी बात है कि अगर कम समझाने के बाद में अगर लोग अच्छा अपना किरदार निभाते तो इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती। इस समय में हमारे साथ में लेखक निर्माता है भालचंद्र जी, आइए उनसे जानना चाहिए। भालचंद्र साहब, ये बताइए कि आपके दिमाग में ये बात कब पनप गई कि आपको ये इस जो चिरकुट है इसकी जो कहानी जो आपने लिखी वो किससे प्रेरणा मिली या कैसे आपको लगा कि मैं ये काम करूँ? प्रेरणा बोले तो ऐसा कुछ ये नहीं है, लेकिन जैसा अपन लोग जाते हैं कोई किसी पार्क में बोलो या मंदिर में बोलो तो बुजुर्ग लोग बैठे रहते हैं मगर वो सोचते हैं कुछ ना कुछ,
सिर्फ बैठे बैठे वो अपना लाइफ जी रहे, राह देख रहे हैं कि कब वो लोग ऊपर जाए, तो उनको वापस से बच्चा बनाना, ये इस फिल्म का मकसद है बस। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे के युवा बनते हैं, युवा के बुजुर्ग बन जाते हैं, और हर कोई यही चाहता है, क्योंकि मराठी में कहते हैं ना कि लहानपन देगा देवा मुंगी साखरेचा रवा, ये हर कोई अपने उस बचपन में फिर से जाना चाहता है, मगर अफसोस के जा नहीं पाता क्योंकि उम्र की ढलान ऐसी होती है। लेकिन उसके बावजूद हम जा सकते हैं, यकीनन उसके लिए हमें कामकाज करना होगा, हमें व्यायाम प्राणायाम योगा जैसी आदि स्वास्थ्य को मजबूत रखने के लिए जो काम है वो करना होगा। इस फिल्म में और भी कुछ किरदार है, उनसे भी बात करते हैं। मैम आपका क्या रोल है, क्या कहना चाहोगी? बड़ी चिल्ला रही थी आप अपने हीरो के ऊपर में। नमस्कार, मला वी आर चिरकुट या मूवीमध्ये काम करायला मिळालं, त्यासाठी मी विजय घुमगावकर सरांचे खूप खूप आभारी आहे। आणि त्यातल्या त्यात मला बोकडे सरां म्हणजे चिटणीस सरांसोबत काम करायला मिळालं, हे माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे। आणि त्यात त्यांचे सुनेचा रोल करते आहे, बोकडेंची सून म्हणून, आणि मी त्यांच्यावर हेवी होते आहे, त्यांच्यावर चिडते आहे, पण ते मला नकोसं वाटतंय, पण माझा रोल आहे तर ते मला करावंच लागेल। ऐसी बहुए हर घर में होना चाहिए, अगर ऐसी बहुए होगी तो यकीनन उस घर के जो सास ससुर है उनकी सेहत अच्छी हो सकती है, बशर्ते हमें व्यायाम और प्राणायाम करना होगा। इस समय में चलिए हम रुक करना चाहेंगे, राज्य चिटनीस हमारे साथ में, जिन्होंने अब तक के कई ऐसे फिल्म के धारावाहिक और कई फिल्मों में कामकाज किए हैं, चाहे मराठी हो हिंदी हो, ऐसे दर्जन से भी ज़्यादा इसमें उन्होंने अपने किरदार को साबित किया है। और चिरकुट यह मराठी फिल्म में भी उनका एक बहुत बड़ा रोल है, आलस से करना सबसे बड़ा रोल है, आइए उनसे जानना चाहते हैं। राजीव जी, सबसे पहले तो इनबीसन के इस चिरकुट ये जो प्रोग्राम के लिए आज हम लोग आए हैं, हम आपका ढेर सारा बधाई देते हैं आपको, और ये बताइए कि आपका मुख्य रोल क्या है। सबसे पहले बीसीएन के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी आपने पूछा कि मेरा इस फिल्म में रोल क्या है, तो मैं इस फिल्म में बोकड़े करके एक कैरेक्टर है वो कैरेक्टर निभा रहा हूँ, और वो कैरेक्टर ऐसा है कि काफ़ी आलसी है। ये फिल्म जो है स्वास्थ्य पे बनी है, अभी आपने जैसे लेखक महोदय ने अभी बताया आपको कि एज होने के बावजूद भी जीने की जो तमन्ना जागृत करना चाहते हैं वो फिल्म में, तो उसी तरीके की ये फिल्म है। पर मेरा ऐसा कैरेक्टर है कि काफ़ी आलसी बताया हूँ इसमें मैं, पर बोलते हैं ना किसी को मुझे मराठी मन तक ठेस खाल्यानंतर अपने कहता, तो वैसे ही इस फिल्म में भी है कि जैसी जैसी मुझ पर बीतती है उसके बाद में मुझे समझता है कि मुझे ये सब कैसा जरूरी है स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना क्या ये। तो इस फिल्म में काफ़ी लोगों को अच्छा अच्छा संदेश मिलने वाला है, तो आप देखिएगा। और वी आर चिरकुट के हम जो फिल्म अभी सेट पे है, हम तो विजय जी हमारे लेखक महोदय, उसके बाद में हमारे राजकुमार जी कैमरामैन जो है, तो हमारे जो है कैमरामैन राजकुमार, ये सब उधर से आए हुए हैं, और इन लोगों ने काफ़ी अच्छा अच्छा काम कर चुके हैं, और इनके साथ काम करने में मुझे भी और मज़ा आ रहा है। और आप, मैं तो इंतज़ार में हूँ ये कब फिल्म बनेगी और कब आएगी, वैसे आप भी ज़रूर देखिएगा। वी आर चिरकुट, नाम पे मत जाइएगा, नाम पे ले जाइएगा, काम पे देखो यारो, नाम में क्या रखा है, काम देखो यार, कुछ इस तरह की बात राज्य चिटनीस ने कही है। एक बात तो तय है कि आए दिन इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई चैन सुख पाना चाहता है, मगर खुद के स्वास्थ्य के लिए कोई समय नहीं देना चाहता है, जिसके चलते विकेटा भी जल्दी जल्दी गिरती है। अगर हमें सेंचुरी करना है और हमें अच्छा स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जीना है, हमारे देश को मजबूत करना है, तो यकीनन हमें व्यायाम योगा प्राणायाम भी करना होगा। और यही सीख और यही मैसेज चिरकुट इस मराठी फिल्म के जरिए तमाम दर्शकों तक आने वाले, बहुत जल्द थिएटर में जब फिल्म रिलीज होगी तो आपके लिए फिल्म आने वाली है। ये फिल्म को जरूर आप देखिएगा, क्योंकि संबोधन प्रबोधन करने वाली ये फिल्म है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।